अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम मुस्तकीम तगय्युर डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आइए सबसे पहले मुस्तकीम तगय्युर की तारीफ देखते हैं हम क्या है। जब किसी शय की तादाद में इजाफा हो तो उसकी कीमत में भी इजाफा होता है और किसी शय की तादाद में कमी हो तो उसकी कीमत में भी कमी होती है। इसे हम मुस्तकीम तगय्युर कहते हैं। फर्ज कीजिए कि एक्स और वाई मुस्तकीम तगय्युर में हैं। इसे अलामत एक्स ये वाई के मुस्तकीम तगय्युर में हैं, यानी X is directly proportional to Y लिखा जाता है। इस अलामत को अल्फा कहा जाता है। ये एक लातीनी हुर्फ है। आइए तगय्युर की मसावात लिखते हैं। मुस्तकीम तगय्युर की मसावात, अगर X और Y दो आदाद हों तो X बराबर KY होगी, जहां पर k एक मुस्तकिल रुकन है। आइए तगय्युर का इस्तेमाल करके कुछ मिसालें हम लिखते हैं। मिसाल नंबर एक, दायरे का रकबा उसके निस्व कुतर के मुरब्बे के मुस्तकीम तगय्युर में है। हम जानते हैं कि रकबे को कैपिटल A से जाहिर करते हैं और निस्व कुतर को स्मॉल आर से जाहिर करते हैं, यानी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर कुव्वत दो। मिसाल नंबर दो, माय का दबाव पी और माय की गहराई डी मुस्तकीम तगय्युर में है, इसलिए पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। मिसाल नंबर तीन, दायरे का मुहित C और निस्व कुतर R के साथ मुस्तकीम तगय्युर में है, इसलिए C is directly proportional to R।